जो आलू खुलाफा और वो कौन सी जात है कि जो तुम्हारे बाद इस जमीन के अंदर तुम्हारी नस्ल में से खुलाफा पैदा करता है वो भी बताओ कौन है फिर अल्लाह ने यह तीन जुमले बोलने के बाद ना एक लफ्ज बोला है अला क्या है अल्लाह के साथ कोई और यह काम करने वाला माँ का जो लफ्ज होता है ना इसका माना होता है साठ अल्लाह क्या अल्लाह के साथ भी कोई ऐसा है जो ये काम कर सकता है या अल्लाह के मुकाबले में कोई ऐसा है जो ये तीन काम कर सकता है कलील मा तज अल्लाह इंसान से शिकवा करते हैं कि बड़े थोड़े बंदे हैं जो इस बात को समझते हैं कलीला थोड़े से मा तज जिनको ये बात समझ में आती है वरना अल्लाह ने इंसान से ये शिकवा किया है कि इंसान ये जरा सोच तो सही कि तेरी तलब जब तुझे तलब होती है तो मुझसे तलब करता है तो कौन सी वो है जो तेरी तलब को पूरा करती है इस आयत मुबारक में मुफसरीन ने वज़ाहती बयान और लंबी तफसीर बयान की है उसमें बयान किया गया मुख्तलिफ अहादीस हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमायाबादा दुआ असल में इबादत है दुआ कोई बोझ नहीं है इबादत के बाद उसको बोझ ना समझो या ये ना समझो कि यह कोई इजाफ, इजाफी चीज़ है इबादत से बल्कि यह इबादत का हिस्सा है जैसे तुम मुसलसल इबादत करते हो नमाज पढ़ते हो इसी तरह तुम दुआ को भी इबादत समझो करते, करते जाओ करते जाओ नहीं मिल रही कोई चीज़ करते जाओ करते जाओ एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनेगा मुस्तजाब करेगा तो अदुआल इबादत यह इबादत है इबादत को छोड़ा नहीं जाता दुआ का जो लफ्ज़ है इसके कुछ मानी है एक लफ्ज़ तो दुआ का जो माना है वो ये है किसी चीज़ का तलब करना जो मैंने आपके सामने अभी पेश किया है एक दुआ का माना यह है कि अल्लाह रब्बुल रबुलमीन से इंसान गुफ्तु करता है और अपने मुतालबात अल्लाह के सामने रखता है एक दुआ का माना ये भी है और एक दुआ का माना Allah دیا, से सवाल करना भी है जैसा कि कुरानी मजीद में अल्लाह फरमा दिया लकुम तुम मुझसे दुआ करो यानी मुझसे सवाल करो कोई चीज मांगो मैं तुम्हारे लिए उसको कबूल करके तुम्हें अता करूंगा इस तजिबलाकुम इन तकबिरून इबादती सैयद जहन्ना और जो बंदे मुझसे मांगते नहीं है ना यस वो तकबर करते हैं वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा सब कुछ आ गया है माल आ गया हमें मांगने की अब जरूरत ही नहीं रही अल्लाह कहते हैं जो दुआ नहीं करते वो तकबर करते हैं किबर और निफाक उनके दिल में आ गए इसलिए वो अल्लाह से नहीं मांगते यून इबादती जो अल्लाह से तलब नहीं करते और ये समझते हैं कि हमारी सारी तलबें पूरी हो गई हैं सैयद सैद हलून जहन्नमासन उनके दिल में तकबर आने की वजह से अल्लाह उनको दाखिल कर देगा जहन्नम की आग के अंदर मौलाना इस्माईल सलफी राहुल तुजर वाले के एक आरूफ इदारे के शेखुल हदीस थे वो जब दुआ किया करते तो तो पंजाबी जुबान में वो अक्सर ये बात कहा करते नमाज के बाद कि जो थुड़े हुए हैं ना वो दुआ कर लें जो थुड़ा नहीं है वो उठ के चला जाए अब इस जुमले को जरा समझें इसका मतलब यह है कि जिसको अल्लाह से कुछ चाहिए जिसको कुछ जरूरत है वो मांग ले जिसको जरूरत नहीं है वो उठ के चला जाए यानी जो तकबर में पड़ा हुआ है जिसने ये गुमान कर लिया कि मेरे पास सब कुछ मौजूद है तो वो उठ के चला जाए वो दुआ में शामिल ना हो तो अल्लाह ये जो तलब करने का तरीका बताया ना अल्लाह अल्ला से अल्लाह तलब करने का भी एक तरीका है एक सिहाबी हैं वो आए अल्लाह के रसूल सल्लम मसी नबी में तशरीफ़ फरमाते हैं उन्होंने आके जल्दी जल्दी से दुआ करना शुरू कर दी और दुआ करके वो अपने रस्ते को चल दिए अपने घर की तरफ चल दिए आपने फरमाया कि इस शख्स ने कोई दुआ नहीं की सियाबी पास बैठे का अल्लाह के रसूल वो तो बड़ी लंबी इल्तजाय अल्लाह के सामने फरियादे रख के गए पूरी लिस्ट बना के अल्लाह मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए आपने कह दिया इसने तो दुआ ही कोई नहीं की आपने फरमाया दुआ इसलिए इसकी कबूल नहीं है क्योंकि इसने मुझ पर इस दुआ में दुरूद ही नहीं पढ़ा और जब तक कोई शख्स हुजूर पर दुरूद नहीं पड़ता दुआ के अंदर सही अदी मुबारक है आना महालन वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान में महालिक हो जाती है लटका दी जाती है वो कबूल नहीं होती उधर ही लटकी रहती है तब तक उसको आसमान का दरवाज़ा खोल के मस्तजाब नहीं किया जाता जब तक वो उस दुआ के लिए दरूद नहीं पड़ता ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत भी है और दुआ को कबूल करवाने के लिए ये एक तरीका भी है इसलिए जब भी दुआ करें तो आप अली सलातो सलाम की सुन्नत मुताहरा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीहात तमजीदात को पहले रखें वो बयान की जाए फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए फिर उसके बाद हर चीज का कोई तरीका होता है ना तो अल्लाह ने दुआ का यह तरीका बताया फिर उसके बाद अपने गुनाहों की मुआफी और अल्लाह की तकदीस बयान की जाए कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं तू पाक है मुझसे गलती हो गई है तू पाकीजा है तू गलतियों से पाक है अपने गुनाह का एतराफ किया जाए फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी इल्तिजा वो पेश की जाए और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुस्तजाब करते हैं अब इसके बाद एक सिहाबी आते हैं कहा अल्लाह के रसूल वसल्लम इस्तेजाल क्या चीज है आपने फरमाया इस्तेजाल यह है कि तुम दुआ करने में जल्दी करो यानी फौरन से अल्लाह के सामने अपने मुद्दा पेश कर दो और अल्लाह की तकदीस को बयान ना करो अल्लाह की तस्बीहात और तमजीदात को बयान ना करो तो यह इस्तेजाल है आपने इससे मना फरमाया एक हदीसी मुबारक में आता है आपने फरमाया फलिया जब भी तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो पूरे यकीन के साथ दुआ करे पूरे इन्हम के साथ दुआ करे कि ये अब मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह के सामने बैठ के मुझे ये चीज चाहिए और मैं लेके उठूंगा मुझे ये चाहिए फली जब भी वो सवाल करे तो पूरे अजम के साथ करे वला वाला और वो ये बात ना कहे अल्लाफा आती अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे अगर तू ना चाहे तो मुझे अता ना कर आपने फरमाया ये कोई दुआ नहीं या कोई तरीका नहीं है दुआ मांगने का तुम्हें चाहिए और अल्लाह से इस अंदाज में मांगो फल यो जिमल कि तुमने यहां से लेके उठना है यह दुआ ना करो इन शे तफा आती नहीं अल्लाह तु, 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 तुझे अगर अच्छा लगे तो मुझे अता कर दे ना अच्छा लगे तो मुझे अता ना कर आपने फरमाया यह दुआ का तरीका नहीं है हजरत उमर रजी अल्लाह तु से आपने फरमाया था कि अगर तू अपनी किसी हाजत को पूरा करवाना चाहता है ना तो फिर कोई ऐसा नेक शख्स ढूंढ को जिसको कोई मुसीबत आ गई हो और जिसको कोई बीमारी आ गई हो वो आजमाइश में मुबतला हो उसकी वजह ये है कि जब कोई शख्स नेक हो और वो आजमाइश में मुबतला हो तो वो बार बार अल्लाह को याद करता है अब मैं युजीबुल दा कौन है कि जो एक पसीजे हुए परेशान हाल दिल वाले बंदे की दुआ को सुनता है तो अल्लाह ही वो जात है जो सुनती है आपने फरमाया उमर अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि जो नेक हो साले हो और उस पर कोई आजमाइश होगी उससे फौरन दुआ का कहना कि मेरे हक में दुआ करो क्योंकि वो अल्लाह के बहुत करीब है वो अल्लाह के नज़दीक है और अल्लाह से वो बार बार रुजू कर रहा होगा और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा भी दिया है वह इंसान वर दुआ आहू जब किसी शख्स को कोई शर पहुँचता है ना कोई तकलीफ हो जाती है बुखार चढ़ जाता है तो फिर वो क्या करता है दुआ आहू अल्लाह से दुआ करता है हाय अल्लाह मेरी बीमारी हाय अल्लाह मैं बीमार हो गया मुझे ये तकलीफ आ गई है मेरे अल्लाह तो वह अल्लाह से अल्लाह को पुकारता है अल्लाह से बातें करता है तो इसी वजह से आपने हजरत उम्र रजी अल्लाह से फरमाया था कि ऐसे शख्स को तलाश करके तुम उससे दुआ लिया करो क्योंकि वह अल्लाह के बड़ा करीब होता है उस वक़्त और फिर उसके बाद रिज हलाल के लिए वाह रिज के लिए सलाम ने बार बार ताकि उस वाफरमा उसकी वजह यह है कि जो बंदा रिजके हराम खाता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करते मुबारक में आता, आपने फरमाया एक शख्सा कहते हैं एक शख्स हम बैठे हुए थे और ये मिसाल भी अमूमन पेश की जाती है यतील सफर अकबर एक बंदा आया वो बैतुल्ला के करीब और उसके कपड़े जो थे वो गुबार आलूद थे उसके चेहरे के ऊपर मट्टी पड़ी हुई थी सफर करके लंबा सफर करके वो बैतुल्लाह के पास पहुंचा अब एक लंबा सफर करके वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में आया बैतुल्ला में और आके वो क्या कहता है या रबी यार रबी यार रबी ऐ मेरे रब मेरी हाजत ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ ऐ मेरे रब मेरी ये जरूरत अल्लाह के सामने अपने हाथ बुलंद करता है और वो दुआएं फरियादें, अल्लाह रबालमीन से करता जाता है अल्लाह रबीन उसके जवाब में कहते हैं हराम उन तेरा खाना भी हराम का है तेरा पीना भी हराम का है तेरा कपड़े भी हराम के पहने हुए तूने वीबिल हराम और जो तू गजा खा के आया है इस सफर को तय करके यहाँ पहुंचा है वो भी हराम के पैसे का हराम कमा के खा के तू अल्लाह के सामने आके फरियाद रसी कर रहा है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले अल्लाह कहते कैसे मैं इसकी दुआ कबूल करूं कहां से मैं इसकी दुआ कबूल कर लूँ फन्ना माना होता है कहां से कहां से मैं इसकी दुआ कबूल करूं कोई वजह है इसके पास कि इसकी दुआ कबूल की जाए अल्लाह के हां उसने कोई उजर ही नहीं छोड़ा कि जिसकी वजह से उसकी दुआ को कबूल किया जाता कोई अमल ही नहीं छोड़ा जिसकी वजह से उसकी दुआ को कबूल किया जाता तो दुआओं की जो कसरत है आप अलीसरा ने फरमाया एक मुबारक में आता है कि खास पर से जो आपने सुन है, अगर बंदा दुआ करवाए तो वो कबूल होती एक में आता है मुबारक आपने फरमाया तो वो रद्द नहीं की जाती एक अधारका में आता है ला जब कोई बंदा दुआ करता है और वो बिल्कुल रोजा अफ्तार करने के करीब होता है अल्लाह उस वक्त उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करते जब एन वक्त हो जाता है अफतार का उससे कबल वो जो दुआ कर रहा होता है तो उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता हमारे यहाँ अमूमन ये बात मरूफ है कि जब अफतार का वक्त होता है तो हम इज्तिमाही दुआ कोई बड़ी शख्सियत आ गई हो तो इज्तिमाही दुआ करवाने लग जाते हैं हालांकि अल्लाह के, के रसूल वसम से इज्तिमाही दुआ इफतार के वक़्त साबित नहीं है इनफरादी दुआ ही करनी चाहिए बंदे को हर हर किसी को अपनी अपनी हाजात का पता कि मुझे क्या चाहिए और जो भी शख्सियत आई है नेक है ठीक है उस सालियत है लेकिन अगर सुन्नत अमल करना चाहते हैं तो उस वक्त इनफरादी तौर तो पर बंदे को दुआ करनी चाहिए बाजूक ऐसा होता है घर का सरबराह होता है वालद ग्रामी बैठे वो कहते हैं कि चलो भाई दुआ करो सारे इफ्तार के वक्त तो ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि इन्फरादी तौर तो पर दुआ करना यह ज्यादा अफसल है क्योंकि आपने इफ्तार के वक्त दुआ नहीं करवाई फिर एक अदी से मुबारका में आता है ला यूरदा बीन अलखामा आपने फरमाया कि अल्लाह रब्लमीन दुआ को रद्द नहीं करते इस वक्त के माबे जो दुआ की जाती है यानी इकामत और आज़ान के वक्त के दरमियान अल्लाह रब्लमीन किसी भी बंदे की दुआ को रद्द नहीं करते ये एक ख़ास वक्त है आपने फरमाया कि ये कबूलियत का वक्त है तो हमें वो कबूलियत का वक्त भी तलाश करना चाहिए फिर कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ अल्लाह रब्लम बंदों की दुआ को रद्द नहीं करते जैसा कि मक़ाम इब्राहिम की दुआ है वहाँ खड़े होके बैतूल्ला में दुआ करना और सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ के वो दुआ करना ये आप सलात की सुन्नतों में से है वहाँ अल्लाह रबालमी जो भी दुआ की जाए तो उसको कबूल फरमाते हैं अमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये बात मरूफ है कि फ़र्ज नमाज के बाद बाजमाद जो बामत अदा की जाती है उसके बाद इज्तमाही तौर पर हाथ उठा के दुआ करवाना अल्लाह के रसूल सल्लम से साबित नहीं है अमूमा ये कहा जाता है इससे मुराद ये नहीं है हरगज कि आप दुआ करवाएं ही ना हमेशा जो दरमियाना रास्ता होता है वो दुरुस्त होता है ठीक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्ज नमाज के बाद इज्तमाई दुआ साबित नहीं है लेकिन आपने ये हदीस मुबारक का जरूर इरशाद फरमा फरमा रखी है आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन अवात में बंदों की नमा बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है उनमें से एक वक्त तहजद का है और एक वक्त फ़र्ज नमाज की अदायगी के बाद आपने फरमाया कि वो कबूलीत का वक्त होता है उस वक्त अपने लिए दुआ किया करो मांगा करो फ़दलुख लसदीन अल्लाह से अखलास के साथ दुआ किया करो क्योंकि वह कबूलीत का वक्त है अब एक हदीफ वारका में आता है अगर मुश्क़ात में मौजूद है सईब ने बान की रिवायत है वह हसन दर्जे को पहुँचती है आपने फरमाया कि अगर किसी इमाम को ये कह दिया जाए कि आप मेरे लिए दुआ करें तो उस पर वाजिब हो जाता है कि उस शख्स के लिए दुआ करें यानी अगर इमाम साहब मौजूद है किसी शख्स ने उनसे कह दिया कि आप हमारे लिए दुआ करवा दें नेक शख्सियत हैं अल्लाह ताला आपकी दुआ से हो सकता है हमें बरकतें अता फरमा दें हमारे मसाइल हल हो जाएं तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं नबी रबी बासलम ने इजमाही दुआ नहीं करवाई नमाज के बाद साबित नहीं है उसको करवानी चाहिए उसके लिए लाविम हो जाता है एक छोटा सा वाक्य आपके सामने रख देता हूँ एक शख्स जिसकी आँख का ऑपरेशन था उसने किसी मौलाना के पास आके जोर की नमाज के बाद ये बात कही कि आप मेरे लिए दुआ करें मेरा ऑपरेशन है तो मेरी आँख का मसला है तो हो सकता है अल्लाह ताला मुझे शिफा या भी अता फरमा दे तो उन्होंने यही बात कही कि आप सलाम ने फ़र्ज नमाज के बाद जो है वो बाजमा जो इजमाही तौर पर दुआ नहीं करवाई तो ये साबित नहीं मैं नहीं करवाऊँगा। अब वो बुज़ुर्ग जो है वह दिल बर्दाश्त हो उठ के उस सफ़ से मस्जिद के बाहर जाके कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि ये जो लोग हैं ये गैरुल्लाह से नहीं मांगते दुआ ये तो अल्लाह से भी नहीं मांगते मैंने इसे कहा है कि तुम अल्लाह से मेरे लिए दुआ करो ये तो अल्लाह से भी नहीं मेरी दुआ मांग रहा मैंने तो सुना था ये गैर अल्लाह की गैर अल्लाह के सामने दुआ नहीं मांगते अब ये कितना बुरा तासर गया है उस शख्स के लिए तो जब भी किसी इमाम को ये बात कह दी जाए तो उसको चाहिए कि वो दुआ करवाए और दुआ में बड़ी खैर और बरकत है एक वाक्य इमाम इब्ने असाकर ने तफसीर में बयान किया है और इमाम इब्ने कसीर राहुल्लह ने भी इसको बयान किया है एक शख्स था जो यमन की मंडी में कुछ उसने अपना जानवर रखा हुआ था लोगों का सामान उसके ऊपर लाद के जेदानी इलाका था एक उसकी जानब वो लेकर जाया करता था अब उसने अपना जानवर जो है वो घोड़ा है वहां पकड़ा हुआ है एक शख्स उसके पास आया उसने कहा कि ये मेरा कुछ सामान है ये इसके ऊपर लाद लो और मैं तुम्हें पैसे देता हूँ किराया देता हूँ तो मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाओ वो जैसे गाइड होते हैं ना इस तरह का वो काम करता था अब उसने उसका सामान ऊपर लाद लिया लादने के बाद वो चल पड़ा आगे दो रास्ते थे अमूमन एक शाहरा थी जो जिसको मेन जीटी रोड कहा जाता है हमारी जुबान में वो थी जो शहर की जानब जाती थी और एक रास्ता था जो जंगल की जानब जाता था उस रेंट पर उस घोड़े को खरीदने वाले शख्स ने लेने वाले शख्स ने यह बात कही कि मैं इस मेन रास्ते से नहीं जाऊंगा बल्कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा जो अजनबी था उसके लिए उस घोड़े वाले ने कहा कि अल्लाह के बंदे मैं कभी इस रास्ते से गया नहीं हूं मुझे इस रास्ते का पता नहीं है मैं तुम्हें इसी रास्ते से जेदानी लेके जाऊंगा जो इलाका तुमने मेरे लिए महसूस किया है कि मैंने वहां पहुंचना है मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा उसने कहा नहीं मैंने इस रास्ते से जाना मैंने तुम्हें पैसे दिए अब वो उस जंगल वाले रास्ते से उसको ले गया जब जंगल में पहुंचा तो शाम का वक्त हो गया तो वहां उसने कहा कि अब मेरी मंजिल आ गई है तुम यहां से मुझे उतार दो उसने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया वो बद्दा नीचे उतरा उसको थोड़ा सा आगे ले गया जब आगे देखा तो वहां लाशों के ढेर लगे पड़े थे बंदे मार के वहां पे फेंके हुए थे वो परेशान हो गया और उसने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया और एक तरफ भागा जब वो भागा तो उस शख्स ने अपना खंजर निकाला उसके पीछे हो लिया उसको पकड़ लिया उसने कहा अल्लाह के बंदे अल्लाह का खौफ कर कोई खौफ खा अल्लाह का खौफ खा तू मेरे साथ क्या कर रहा है ये जो जितना माल है तुझे मैंने दे दिया घोड़ा भी दे दिया जितना मेरे पास ये ले जितना माल है वो भी तुझे दे दिया कहा माल तो मेरे पास अब आ ही गया घोड़ा भी मेरा है और जो तेरे पास पैसे हैं वो मैंने ले ही लेने लेकिन तुझे मैंने जिंदा नहीं छोड़ना क्योंकि ये जो अड्डा है ना ये मेरा है बाद में जाके लोगों को बताएगा कि इधर एक राहजन है वो लूटता है इसलिए तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसने कहा अच्छा ठीक है मुझे तू जिंदा ना छोड़ी लेकिन मुझे सिर्फ मरने से पहले एक मेरी ख्वाहिश है मुझे दो नफल पढ़ लेने कहा जल्दी करो उसने वहीं वजू किया और वजू करने के बाद उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी नमाज जब पढ़ना शुरू की तो वो कहता है कि मेरे जहन में कोई भी आयत कुरान मजीद की नहीं आ रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने नमाज अदा कैसे करनी अब वो नमाज में खड़ा हो गया उसने अल्लाह कह दिया नियत बांध ली है और क्या पढ़ रहा है यही आयत मुबारक जो मैंने शुरू में आपके सामने तिलावत की कौन है जो परेशान हाल दिल वाले बंदे की दुआ को सुनता है यह दुआ वो बार बार पढ़ रहा है इबन असाकर फरमाते हैं कि वो बंदे ने बार बार इस दुआ को पढ़ा पढ़ता गया और उसे खुद होश नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ हालांकि नमाज पढ़नी थी लेकिन होश ही नहीं है वो पढ़ता जा रहा है पढ़ता जा रहा है अचानक से एक सफेद पोश घोड़े के ऊपर बैठा शख्स वो आता है और उसने हाथ में नेजा पकड़ा हुआ है और उस बंदे के कलेजे में मारता है उसको कत्ल करके जब जाने लगता है वो बंदा नमाज तोड़ता है नमाज तोड़ के उसके पाँव को पकड़ लेता और कहता है कि तू कहाँ से आया मुझे बता तू मेरी मदद करने के लिए मसीहा बन के किधर से आया तो उसने कहा अल्लाह के बंदे अभी तू जिसको पुकार रहा था ना अम्मा युजीबुल इदा इहू कह के मैं वही हूँ कि जो परेशान हाल दिल वाले लोगों की मदद करता है और उसी ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है ये इब्ने असाकर ने और इमाम इब्ने इबन कसीरम्ल्ला ने वाक बयान किया है। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुआ के अंदर इतनी तासीर रखी है खास तौर पर इस्तफार की दुआ क्योंकि अल्लाह तलाने मजीद में फरमाते हैं इस तख फिर इनकान गफवार ए एक ने कहा कि मेरे माल में बड़ी कमी है आप मेरे माल में बरकत के लिए दुआ फरमाएं उन्होंने कहा दुआ तो कर देते हैं लेकिन एक वजीफा बताते हैं इस्तफार किया करो एक बंदा आया उसने कहा कि मेरे हाँ औलाद नहीं है मेरे लिए दुआ करें

इस्गफार का एक पार्ट रखें अपनी दुआ के अंदर एक हिस्सा रखें जिसमें सिर्फ इस्तगफार हो क्योंकि इस्तफार जब बंदा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो अल्लाह को इससे बड़ी खुशी होती है कि मेरा बंदा मुझसे बख्शिश तलब करता है मेरा अल्लाह को नाज हो जाता है कि मेरा बंदा मुझसे बख्शिश तलब करता है मेरे अजाबों से डरता है जब कोई बंदा हदीस मारका में आता है गुनाहों के अंबार लगा के अंबार लगा देता है फिर एक वक्त आता है कि उसको समझ आ जाती है वो अल्लाह की तरफ पलटता है ना जब अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह उससे ताजुब के साथ ये कहते हैं, मेरे बंदे क्या तू मुझे अभी जानता है तुझे पता है कि तेरा एक रब आलिम क्या बंदे को पता भी है कि वो उसका एक रब है तो अल्लाह इस बात से बड़े खुश होते हैं अल्लाह आलमीन को मुसरत होती है कि मेरे बंदे को पता है कि मेरा रब है यानी इतने गुनाह करने के बाद भी सिर्फ थोड़ी सी पहचान होने पर अल्लाह ताला को इतनी खुशी होती है हदीस मुबारक में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नौजवान बंदे की तौबा पर इतने खुश होते हैं कि जैसे कोई गुमशुदा बच्चा उसकी माँ को मिल जाए कितनी खुशी होती है माँ को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इससे भी कहीं ज़्यादा खुशी होती है उस बंदे से कि जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते से भटक गया हो भूल गया हो और फिर वो पलट कर अल्लाह की राह पर दोबारा आ जाए तो अल्लाह को इससे भी ज़्यादा खुशी होती है फिर इसके बाद कुछ मुस्तजाबाव बनने के लिए चीज़ें होती हैं अगर बंदा ये चाहता है ना कि उसकी हर दुआ कबूल हो अल्लाह के सामने वो हाथ उठाए और उसकी दुआ कबूल हो कुछ ऐसे लोग होते हैं मुत्तकी कि जो भी जब भी दुआ करते हैं तो अल्लाह रबूल आम उनकी दुआ को रद्द नहीं करता एक शख्स के बारे में आता है कि उससे एक बंदा मिलने के लिए गया किसी ने बताया कि इसकी दुआएँ बड़ी कबूल होती हैं तो दुआ करवाने के लिए गया तो पूछा कि तुम क्या इस्तेमाल करते हो कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होती तो अर्ज कर चुका हूँ उसने ये जवाब दिया था कि मैं अल्लाह से एक वादा कर चुका हूँ अल्लाह से मैंने एक एग्रीमेंट किया है एग्रीमेंट यह है कि मैंने अल्लाह से यह कह दिया या अल्लाह जो तूने मुझे कहा मैं वो मानूंगा और फिर उसके बाद जो मैं कहूंगा वो तूने मेरी मान लेनी है तो यह एग्रीमेंट के तहत मैं अल्लाह रब्लम के जो आमाल जो बजा लाता हूँ जो मुझे अहकाम दिए गए हैं मैं उनको पूरा करता हूँ अल्लाह रब्लम मेरी दुआ को कबूल फरमाता है तो साले आमाल जो हैं, इनको लाजमी अपने जहन में रखा करें और फिर इनका वसीला भी डाला जा सकता है अब वक्त तिल वसीला की तफसीर में अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल वसम का वसीला डाला जा सकता है ये एक बड़ा मरूफ मसला है हमारे यहाँ कि वसीला किसी नेक शख्स का डाला जा सकता है फ़िल्म बाबा जी का वसीला या किसी बड़ी शख्सियत का तो इमाम तैय ने इसकी वजाहत के अंदर कुछ इबारात नकल की हैं वो कहते हैं वब्गु वसीला ही। वसीले का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ का जरिया इस्तेमाल करना कि जिसमें तुम अल्लाह को ये बता रहे हो कि मेरा फुराना एक नये कमल है उसकी वजह से मेरी ये दुआ को कबूल फरमा यानी नेक नेकाल का वसीला अल्लाह का तकर्रब हासिल करने के लिए अल्लाह के करीब होने के लिए अपने किसी नेक अमल का वसीला डाला जा सकता है मसला आपने कोई सदका किया अल्लाह की राह में पूरे खलूस और इतमान के साथ अल्लाह के लिए कुछ मुसीबत आ गई आपने कहा यह अल्लाह मैंने एक दफ़ा एक अमल किया था और मैंने पूरे अखलास के साथ तेरे लिए वो खास अमल किया था या अल्लाह उस नेक अमल के वसीले की वजह से मैं तुझसे मफ़रत तलब करता हूँ और तुम मेरा ये काम जो है वो आसान फरमा दे ये मांगा जा सकता है तो इसकी इसका इसी का जवाब है हज़रत उमर रजी अल्लाह तनो हज़रत अब्दुल्ल बिन अब्बा हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तैनो को लाया करते थे मस्जिद नबी में और यह कहा करते थे कि ए अल्लाह पहले हम तेरे नबी की बरकत की वजह से उन्होंने यह नहीं कहा कि नबी के, के नेकमाल की वजह से ए अल्लाह हम तेरे नबी की बरकत की वजह से तुझसे दुआ किया करते थे और अब नबी तो मौजूद नहीं है वह इस दुनिया से जा चुके हैं हम तेरे नबी के चच्चा की बरकत की वजह से तुझसे दुआ करते दुआ अल्लाह ली की है फिर भी वसीला जो बनाया है वो हजरत अब्बास रवी अल्लाह की बरकत को बनाया ना कि उनके अमाल को बनाए और इसी तरह अगर कोई नेक शख्सियत है आप उससे यह कह देते हैं कि मेरे लिए दुआ करें आप नेक आदमी हैं अल्लाह ताला आपके जो है ना वो बरकत की वजह से आपकी दुआ की बरकत की वजह से अगर मेरे मसाइल हल हो जाएंगे तो आप मेरे लिए दुआ फरमा दें ये दुआ करवाना जायज़ है किसी नेक शख्सियत से दुआ करवा लेना जायज़ है लेकिन यह कहना कि अल्लाह तू उस नेक बंदे के आमाल की वजह से मेरे अमलों को बेहतर कर दे यह वसीला दुरुस्त नहीं है अमूमन ये लोग मिसाल देते हैं कि आप अगर छत पे चढ़ना चाहते हो तो उधर सीढ़ी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ही आप छत के ऊपर चढ़ोगे ना इसलिए अल्लाह से आपने दुआ करनी है तो दरमियान में वसीला डालना पड़ेगा हक सरकार का बाहु का या फला जितने भी हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं उनका वसीला डाला जाता है तो ये एक सीढ़ी का काम करते हैं मिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो खालिक है उसकी मिसाल छत के साथ दी नहीं जा सकती अल्लाह की मिसाल छत के साथ नहीं सा मिसरी ही शही कुरान कहता अल्लाह की कोई मिसाल ही नहीं है अल्लाह की मिसाल दी नहीं जा सकती और अल्लाह रबुलमीन कहते हैं तुम तो सीढ़ी लगाते फिरते हो मेरे लिए वह नाह नुआ करब मेरा हबलवरीद हालांकि मैं तेरे शारक से भी ज्यादा करीब हूं किधर सीढ़ी लगा रहे इतनी सी जगह पर इधर जगह ही नहीं है सीढ़ी लगाने किधर लगा रहे हो सीढ़ी नाहब मेरा हबलरीद मैं तेरे सांस से भी ज्यादा करीब हूँ मांग के तो देख तू किधर फिरता है सीढ़ियां लगाता फिरता है मैं किसी सीढ़ी का मोहताज नहीं हूं वसीला तलाश कर अपने अमाल का अपना नेक अमल कर पेश कर मेरी बारगाह मिला के तो अल्लाह को इससे खुशी होती है और अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को मुस्तजाब करते हैं एक आखिरी वाक्य आपके सामने रखता हूं इसतफार के हवाले से इमाम अहमद इबन हम तड़े फकीर और मुहदस गुजरे हैं वह एक सफर पर गए इराक के इलाके में तो वहां एक मस्जिद थी मस्जिद में उन उन्होंने ठहरने का प्रोग्राम बनाया रात हो गई तो आगे अभी सफ़र उन्होंने जारी रखना था किसी मुहदस को मिलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक मस्जिद देखी वहां ईशा की नमाज़ अदा की ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद उन्होंने कहा इमाम साहब से पूछा क्या मैं इस मस्जिद में रात गुजार सकता हूं तो उन्होंने कहा कि नहीं इंतज़ामिया की इजाज़त नहीं है आप यहाँ मस्जिद में नहीं रह सकते रुक नहीं सकते इमाम अहमद इबने हम्बर रहमाला वहाँ से मस्जिद से बाहर निकले बाहर निकल कर देखा तो सामने एक नान भाई था वो तंदूर पे रोटियां लगा रहा था अब रात का वक्त है उसने रोटियां लगा रहा था और अहमद इबन हम्बल रही उसके पास चले गए कहा अल्लाह के बंदे सलाम कहा और कहा अल्लाह के बंदे मैं तेरे रात मेहमान होना चाहता हूँ आज की रात घर में तो अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं क्या तेरे घर में रह सकता हूँ तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल खुशी से आप रह सकते हैं मेरे पास अब अहमद इबन हम्बल कहते हैं कि मैंने उस शख्स को देखा कि वो एक रोटी लगाता है जब निकालता है तो कहता है अस्तक जब लगाता है तो कहता है अस्त फिर और जब वो पेड़े को घटता है तो फिर कहता है अस्तख फिर जब उसको बनाता है रोटी फिर कहता है अस्त फिर यानी हर एक एक लम्हे में वो अल्लाह का इस्तफार कर रहा है अल्लाह से बख्शिश तलब कर रहा है कभी कहता है सुबह अल्लाह जिक्र कर रहा है तो अहमद इबन हम्बर रह्ला ने उससे ताजुब से पूछा बड़े खुश हुए पूछा के अः अल्लाह के बंदे क्या तू जो अजकार करता है इस्तफार करता है आज तक तुझे इस्तफार का कोई फायदा हुआ है कहने लगा अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो आज तक मैंने जितनी दुआएं मांगी हैं जब भी मांगी है अल्लाह ने मेरी वो दुआ कबूल की है इस जिक्र की वजह से इस अमल की वजह से कि जब भी मुझे फारग वक्त मिलता है मेरी जुबान जो है जिक्र से तर रहती है और मैं इस्तफार करता रहता हूं लेकिन मैंने सारी दुआएं मांगी है एक दुआ अभी तक मेरी कबूल नहीं हुई मुझे उस पर बड़ा ताज्जुब है सारी दुआएं कबूल होती हैं एक दुआ ऐसी है जो अभी तक कबूल नहीं हुई अहमद इब्ने हंबल कहते हैं अच्छा वो कौन सी दुआ है वो तो मुझे बताओ वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि एक शख्स इंतहाई मुतकी है अल्लाह का बड़ा ही नेक बंदा है और उस बंदे को सात लाख अहादीस ज़ुबानी याद है और वो उम्मत का बहुत बड़ा इमाम है उसने किताबें लिखी हैं लोग उसका अक्सर नाम लेते हैं हमारी मस्जिद के खतीब साहब जब भी हदीस बयान करते हैं तो उससे बयान करते हैं तो मेरी बड़ी ये ख्वाहिश है कि मैं उस बंदे से मिलूं मैं रोज़ दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी उस बंदे से मुलाकात करवा दे आज तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई तो अहमद इबन हम्बल राह ने पूछा कि उसका नाम क्या है तो वो कहने लगा उसका नाम अहमद इबन हम्बल है राह तआला तो कहने लगे कि खुदा के बंदे जो तू पहले दुआएं करता था सात आंसू आंखों, आंखों से निकल आए आज जो तू पहले दुआएं करता था अल्लाह ने वो भी तेरी कबूल कर ली है और जो तूने अभी दुआ दोबारा की है वो भी अल्लाह ने तेरी कबूल कर ली है मैं ही अहमद इब्ने हंबल हूँ अल्लाह ने मुझे कहा अपने इलाके से चलवा के तेरे पास भेजा है कि ये अल्लाह का बंदा इतना मुकर्रब है इसकी अहमद इब्ने हम्बल से मुलाकात करने का शौक है तुझे नहीं कहा कि उधर जाकर के, जा के आ अहमद इब्ने हम्बल जो मुहदस है उम्मत का मोहसिन है उसको चला के तेरे घर भेजा है ताकि इस बंदे से मिल के आए अहमद इब्ने हंबल को इतनी खुशी हुई और रात उसके मेहमान ठहरे उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे अब वो जो बच्चे हैं अहमद इबन हम्बल के लिए कभी तौलिया ला रहे हैं कभी पानी ला रहे हैं कभी डोल ला रहे हैं कभी वज़ू करने के लिए बड़ी खिदमत कर रहे हैं छोटे छोटे हैं दोनों जुड़वा थे तो अहमद इबन हम्बल रहम्ल्ला ने उनके लिए हाथ उठाए और दुआ की के, या अल्लाह तेरे नबी ने जैसे अब्दुल्ल इबन अब्बास के लिए फ़कीह होने की दुआ की थी अल्ले महुल किताब कि अल्लाह इसको किताब का इलम सिखा मैं इन दो बच्चों के लिए किताब का इलम सीखने की दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह तू इनको किताब के इलम की फ़काहत अता फ़रमा और फिर इस दुआ की बरकत की वजह से तारीख ने देखा कि एक जो बच्चा है उसका नाम इमाम नबी और दूसरे इमाम इमाम अबुल फिदा इमाम इबन कसीरम्ल् ते दो बड़े इमाम पैदा हुए हैं ये असल में दो बच्चे जो हैं ये खाला का बेटा है यानी आपस में कज़न लगते हैं ये दो बच्चे जो खिदमत कर रहे थे तो हजरत इमाम अहमद इबन हम्बल राहल्ला ने उससे पूछा कि इन बच्चों की तरबियत कौन करती है तो उसने बताया कि पहले मेरी एक बीवी थी फिर उससे मेरा एक बेटा हुआ फिर उसकी वफ़ात हो गई फिर मैंने अपनी साली से निकाह किया और वो जो साली है उसने फिर इन बच्चों की तरबियत की है और फिर उसके बाद उस माँ की तरबियत का असर है फिर उसके बाद अहमद इबन हम्बल रा दुआ की है दुआ की बरकत की वजह से अल्ला रब्लमी ने इतने बड़े इमाम बना दिया तो दुआ में अल्लाह ने बड़ी ही तासीर रखी है बहुत तासीर रखी है अगर जब भी आपको मौका मिले तो अपने लिए ख़ास ख़ास अपने लिए वालदेन के लिए अपने बच्चों के लिए खसूसी दुआ किया करें और दिल से दुआ किया करें इतमीन के साथ खुशू और खुजू के साथ अल्लाह ताली दुआओं को बड़ा समर अता फ़रमाते हैं अल्लाह ताली नेक हाजात जो हैं जब बंदा पूरी नीयत के साथ करता है तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करते अल्लाह तब को अपने लिए हक़ में दुआएँ करने की तोफ़ी अता फ़रमाए ममा तोफ़ी अला बिल्लाहा हसिन